तारागढ़ी मेमोरियल जो पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ज़्यादा करीब है। इस मेमोरियल को बनाया गया था 21 सिखों की शहादत में, और उस लड़ाई की कहानी आप में से ज़्यादातर केसरी मूवी के थ्रू जानते होंगे। ये पूरा पोर्शन उनकी तस्वीर, उनके एड्रेस, इन सब को समर्पित है। और इनमें से सबके हेड थे सरदार ईश्वर सिंह। जैसा कि आप सबने मूवी में ही देखा होगा कि 21 सिख 36 सिख रेजिमेंट के 10,000 पठानों से लड़ते लड़ते सारागढ़ी की पोस्ट पे अपनी जान गंवा दी लॉकचार्ट के किले पे। तारीख थी 22 सितंबर 1857 और लड़ाके थे 36 सिख रेजिमेंट के, जिसे अब 4 सिख रेजिमेंट कहा जाता है। इनकी वीरता को महज पंजाब और खैबर दर्रे तक ही नहीं याद किया गया, बल्कि गंगा के मैदानों में भी याद किया गया था। और ज़्यादातर लोगों को ये हमेशा याद रहे, उसके लिए इलाहाबाद के आसपास के एंग्लो इंडियंस और भारतीय समाज के लोगों ने चंदे इकट्ठे किए और इस मेमोरियल का निर्माण कराया, जिसकी लागत उस समय 27,118 रुपये थी। और गुरुद्वारे की खास बात यह है कि इसको बनाने में लोकचाट किले के ही एक पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, बाकी सारी चीज़ें लोकली इंडिया से ली गई थी। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो पूरे गार्डन्स हैं, तोप हैं और चारों तरफ बाग और बगीचे ही हैं इसके। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारे के भीतर। सिख इतिहास के जिस किस्सों को गंगा के मैदानों तक याद किया गया था, उसे पायोनियर न्यूज़पेपर वालों ने हमेशा के लिए एक यादगार बनाया था और इस मेमोरियल का निर्माण कराया। हिस्ट्री में अभी भी दर्ज नहीं है कि मेमोरियल ने गुरुद्वारे की शक्ल कब इख्तियार की, लेकिन आज भी सिख इतिहास और सिक्खी दोनों को इस मेमोरियल में अच्छे से याद किया जाता है। और इसकी निशानी आपको एक और मिलेगी, वह फरीदकोट के महाराजा के रूप में। जिस मेमोरियल का निर्माण एंग्लो इंडियंस और इंडियंस ने इलाहाबाद के द्वारा स्टार्ट किए हुए डोनेशन से स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट होने के बाद फरीदकोट के महाराज ने सारे सिखों की यादगार में कई सारी स्टोन टैबलेट्स यानी शिलालेख लिखाए थे, जो पूरे गुरुद्वारे में आज भी सुशोभित हैं। और ये सीन यानी दृश्य जो है वो गुलिस्तान और लोकचाट किले की लड़ाई को ही दर्शाते हैं, जिसमें 21 सिख एक मुसलमान और 10,000 पठानों की लड़ाई दिखाई गई है। गुरुद्वारे के बाहर के इलाके और भी खूबसूरत हैं। हर जगह हरियाली, खुला हुआ नीला आसमान, उगता हुआ सूरज, सब कुछ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं प्रकाश पांडे एंड आई विल बी शोइंग यू मोर एंड मोर सच प्लेसेस ऑफ पंजाब एंड आउटसाइड पंजाब एज वेल। इट्स अ न्यू स्टार्टिंग, इट्स अ न्यू वीलॉग, होप थिंग्स गेट बेटर।